धरती पर ऐसे कई रहस्यमय जगह हैं, जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। आज हम आपको एक ऐसे ही अनोखे गांव के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां जो भी गया कभी वापस लौटकर नहीं आया। आपको बता दें कि इस गांव तक पहुंचने का रास्ता भी मुश्किलों से भरा हुआ है। इस रहस्यमय गाँव को मुर्दों का शहर भी कहते हैं। दरअसल ये गाँव रूस के उत्तरी ओसेटिया के दरगाह व्यास में है। ये इलाका बेहद ही सुनसान है, डर की वजह से इस जगह पर कोई भी आता जाता नहीं है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच छिपे इस गांव में सफेद पत्थरों से बने करीब 99 तहखाना नुमा मकान है, जिसमें स्थानीय लोगों ने अपने परिजनों के शव दफनाए थे। इनमें से कुछ मकान तो 4 मंजिला भी है। इस गाँव को लेकर लोगों के बीच कई तरह की मान्यताएं भी प्रचलित है। बताया जाता है कि इन कब्रों को 16वीं शताब्दी में बनवाया गया था। ये एक विशाल कब्रिस्तान है। कहते हैं कि हर इमारत एक परिवार से संबंधित है, जिसमें सिर्फ उसी परिवार के सदस्यों को दफनाया गया है। इतना ही नहीं, इस जगह को लेकर स्थानीय लोगों के बीच तरह तरह की मान्यताएं हैं। उनका मानना है कि इन झोपड़ी नुमा इमारतों में जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता। हालांकि कभी कभार पर्यटक इस जगह के रहस्य को जानने के लिए आते रहते हैं। पुरातत्वविदों को यहाँ हर तहखाने के सामने एक कुआं भी मिला है, जिसके बारे में कहा जाता है कि लोग अपने परिजनों को यहाँ दफनाने के बाद कुएं में सिक्का फेंकते हैं। अगर सिक्का तल में मौजूद पत्थरों से टकराता तो इसका मतलब होता कि आत्मा स्वर्ग तक पहुँच गई।